आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। यूपी के बुलंदशहर में आंख पर काली पट्टी बंधे जिस छात्रा को आप बाइक दौड़ाते एवं अखबार की हेडलाइंस पढ़ते देख रहे हैं, यह कोई नौटंकी या जादू नहीं है बल्कि हकीकत है। दरअसल ये कक्षा 12 की छात्रा दीक्षा चौधरी है, जो न सिर्फ आंख बंद कर कुछ भी पढ़ लिख लेती है बल्कि बाइक भी चलाती है। कुल मिलाकर अगर दीक्षा के दावे पर यकीन करें तो वह ये सभी काम आंख बंद करके कर लेती है जो आम आदमी आंखें खोलकर करता है। इसी दावे का सच जानने के लिए हमारी टीम बुलंदशहर के गांव खंदोई पहुंची और दीक्षा से सिर्फ बात की बल्कि उस दावे का सच भी जाना। दीक्षा ने कैमरे के सामने अपनी आंखों पर काली पट्टी लपेटकर बाइक चलाई बल्कि अखबार और अन्य दस्तावेजों को भी बिना रुके पढ़ा। वहीं इन सब को लेकर दीक्षा चौधरी ने बताया कि जब वह कक्षा 8 में पढ़ती थी तब उन्होंने बंद आंखों से टीवी दिखाई दिया। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हुआ लेकिन बाद में यह सब आम हो गया। दीक्षा के मुताबिक यह विशेषता कुदरत की देन है, इसके लिए न तो कभी उसने ट्रेनिंग की है और न ही किसी से इस तरह का कोर्स किया है। देखिए बुलंदशहर से धर्मेंद्र कुमार निगम की विशेष रिपोर्ट। न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण का पढ़िए क्या था, प्रीमियम देश की चाय, देश का फुल हार्ट। कैमरे की तरफ दिखाइए क्या लिखा है इसका। ये किस तारीख का अखबार है? 15 अगस्त 2021। कोई इसका पेज पलट करके कोई खबर पढ़िए इसकी, पढ़िए क्या क्या है क्या लिखा है। आज़ादी वही जो सबको मिले, आज़ादी अपनी मंजिल ढूंढने की, ये अपनी राह चुनने की, सब जब सबको मिली तभी देश स्वतंत्र बने। हैप्पी 2076। ये ऊपर सबसे ऊपर पेज पर क्या लिखा है, यहाँ पे रूट को उखाड़ना बहुत मुश्किल काम है। ये दिखाइए कैमरे की तरफ। अच्छा ये देखिए क्या लिखा है मैंने, ये कॉपी हिंदी की है या अंग्रेजी की है, कितनी ये इंग्लिश की है। अच्छा इस पर बताइए क्या क्या लिखा है इस पर। श्री नरेंद्र मोदी, श्री आदित्यनाथ योगी, श्री रामनाथ कोविंद, श्री राकेश ताके, श्री अखिलेश यादव कुमार, मायावती। दिखाइए कैमरे इसका, कोई भी पेज पलट गया। हाँ कॉपी का स्टार्टिंग में देख, कैसे रंग की कॉपी है ये ब्लू कलर की। अच्छा क्या लिखा है इस पर, क्या ब्रांड, कौन से ब्रांड की कॉपी है ये। लेट्स ट्रैवल अतुल। और क्या लिखा है इसमें। लेट्स ट्रैवल अनुभव और एक एयरप्लेन। इसका चित्र किस चीज़ का बना है। एयरप्लेन का। दिखाइए कैमरे तरफ। ये विलक्षण प्रतिभा कैसे उत्पन्न हुई। मैं दीक्षा चौधरी हूँ और मैं बुलंदशहर की रहने वाली हूँ और ये मुझे 8th क्लास से आने लगा है। जब मैं कंबल के अंदर लेट रही थी, टीवी देख रही थी, तो मुझे सब दिख रहा था टीवी के अंदर क्या चल रहा है। तो मैंने पापा को बताया कि पापा मुझे ऐसे ऐसे दिख रहा है, तो पापा ने मुझे इसमें आगे बढ़ाया और देखा कि मैं बाइक भी चला लेती हूँ, ये भी साइकिल भी चला लेती हूँ, जो लोग अपनी आँख खोल के देख सकते हैं वो मैं आँख बंद करके देख लेती हूँ। तो ये सब मेरे आँख खोलने और आँख बंद करने का डिफरेंस शो नहीं करता है। और मैं नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती हूँ, मीटिंग करना चाहती हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे और जब मैं इंटर पास कर लूँ तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले। परिवार के लोग इस विलक्षण प्रतिभा को लेकर कोई आपत्ति व्यक्त करते हैं। नहीं, आपत्ति व्यक्त नहीं करते। क्या उनका प्रोत्साहन आपको मिलता है इसको लेकर के। उनका प्रोत्साहन भी मुझे मिलता है, बस पापा की मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ तो वो थोड़ा घबराते हैं ताकि मुझसे दूर ना चली जाए इसलिए। आप क्या क्या कर सकती हैं। मैं बाइक चला सकती हूँ, जो आप सब बंद आंखों खुली आंखों से कर सकते हैं वो मैं बंद आंखों से कर सकती हूँ। अखबार भी अक्सर पढ़ती हैं। हाँ मैं अखबार भी पढ़ती हूँ, तो बाइक साइकिल स्कूटी सब चला लूँगी। तो और बच्चों में और आप में, जैसे आप कुलिक्स होते हैं आपके, तो उसमें कहीं आपको अंतर महसूस करते हैं, आपके प्रति कोई किसी तरह का भेदभाव रखते हैं। नहीं, मेरे ऐसे भेदभाव नहीं रखते, सेम टू सेम है।